हमारे बैठे हैं सीएमएस महोदय, इन्होंने जो है विस्तार से बताया कि भाई हार्ट अटैक और वो जो जानकारियां दी हैं, इसके लिए इनका भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। अपने अस्पताल से संबंधित जो है इनको भी नए साल की बधाई देते हैं कि आप लोग जो है हर कार्य को जो है पेपर के माध्यम से या मतलब प्रचार के माध्यम, महत्वपूर्ण और जिम्मेदार कार्य आपका है कि आप उसको उतार करके अपने जो है मोबाइल के माध्यम के सामने लाते हैं, तो इसके लिए आपको भी बहुत बहुत बधाई। अपने जो सीएमएस महोदय हैं, उन्होंने जो है हमारे व्यापार मंडल का जो है पूरी तरह से सहयोग किया है, और जो सिस्टर्स और डॉक्टर्स जो ज्यादा से ज्यादा इसमें जो है कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं, तो आप सभी का मैं जो है अपने व्यापार मंडल की ओर से हृदय से स्वागत करता हूँ। दिल की गहराइयों से आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने अपना अमूल्य समय निकाल करके और जो है हमारे व्यापार में जो हमारे व्यापार मंडल के आगे का जितना भी हमारा यहाँ का अस्पताल का स्टाफ बैठा हुआ है, साथ ही हमारे तो उत्तर प्रदेश के लिए भी धन्यवाद। इसी क्रम में मैं अपने संगठन के वरिष्ठ जो है जिला अध्यक्ष जो है मोहन शर्मा कैनिक ऑटोमोबाइल्स यूनियन के हैं, राम मोहन श्रीवास्तव जी से, उनसे भी कहेंगे कि आप मुझे जो है आप देखिए एक बात जान लीजिए, अस्पताल एक ऐसी जगह मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सबसे पवित्र जगह अगर कोई है तो उससे इससे बढ़ के कोई आपके घर में 20 लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, पता लगा बेटा नौकरी पे चला गया, बूढ़े माँ बाप पर उनकी सेवा कोई नहीं करता, लेकिन यहाँ का स्टाफ ये नर्सें माँ बेटी भाई बहनों से बढ़कर ये लोग सेवा देते हैं। सेवा एक निवेदन है, एक बात सब लोग ध्यान रखें, मैं अक्सर कहता हूँ ये अस्पताल निर्धन व्यक्तियों के लिए है, अगर आप सक्षम हो तो बाहर की दवा खा लेना, अस्पताल की दवा छोड़ देना, हो सकता है आपकी दवा बची हुई दवा किसी गरीब के हिस्से में काम आ जाए, बस इतनी बात का। और यहाँ जैसे भाई का, अरविंद मिश्रा जी का, और जिला अध्यक्ष महिला गीता गुप्ता अगल गुप्ता जी, तमाम साथियों का मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ और नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि तमाम समस्याएं हमारे समाज में हो रही हैं, और उस समस्याओं का जो सही अगर कोई सेवा करता है तो डॉक्टर ही होते हैं, डॉक्टर ही उसके वो होते हैं। मैं डॉक्टर का दिलों से बधाई देता हूँ, स्वागत करती हूँ, अपने व्यापार मंडल का भी हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं नर्स जो मैम बैठी हूँ उनके लिए कुछ कहना चाहती हूँ कि जो हम अपने घर में काम नहीं करना चाहते हैं, बैठे रहते हैं ठंडी के लिए, हमारी मैडम जो है सारे अस्पताल का जिम्मा उठाए रहती है, मैं इनके बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ, वंदन अभिनंदन करती हूँ। ईश्वर के बाद दूसरा स्थान चिकित्सक का है, भेषज अधिकारी कहा जाता था। फायदा करने वाले से ज्यादा महत्व जान बचाने वाले का है। एक बार आपने कहानी पढ़ा होगा वो तोते वाली सिद्ध वाली है ना, जो आखे तक ले गया। डॉक्टरों को पदाधिकारी और दाहिने हाथ पर बैठे हमारे मोटर यूनियन के अध्यक्ष और मेरे अनुज राम मोहन श्रीवास्तव जी बैठे हुए, मैं सभी आप सभी को नए वर्ष की पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और आप सभी को धन्यवाद इस बात का देता हूं कि आपने मेरे इस अस्पताल परिवार के सदस्यों को इस योग्य समझा, इस नए वर्ष के शुभारम्भ पर आपने इनको सम्मानित करने की सोची, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, और मैं आपको अपनी तरफ से और अपने अस्पताल परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ईश्वर तो एक ही है, हम लोग तो एक माध्यम, हमें उस लेवल तक न पहुँचाइए और इंसान ही रहने दीजिए, हम लोग तो अपना पूरा प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं अपनी क्षमताओं के हिसाब से, अपनी योग्यता के हिसाब से, और अपने संसाधन जो हमको उपलब्ध हैं
उसको देखते हुए हर मरीज को, हमारे लिए मरीज मरीज होता है, ना वो अमीर होता है ना गरीब होता है, ना किसी जात से संबंध होता है, ना वो पुरुष है ना महिला है, मरीज ही कहा जाता है। हम लोग कई बार इसमें कंफ्यूजन भी पैदा हो जाता है। एक उदाहरण दूँ, जब हम लोग महिला अस्पताल में काम किया करते थे, और मैं तो प्रोफेशनली एनेस्थेटिस्ट रहा हूँ, बेहोशी का डॉक्टर रहा हूँ, लड़का है लड़की तो हम लोगों को पता नहीं चलता था लड़की पैदा हुई है कि लड़का हुआ, लेकिन वो जो बच्चा शब्द कहते थे उसमें कई लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। और गांव में भी यही कहा जाता है जच्चा बच्चा दोनों से, उसमें लड़का लड़की का नाम नहीं आता। कहने मतलब हमारा है ना, हमारे लिए पेशेंट कोई पुरुष होता है, ना महिला होती है, ना अमीर होता है, ना गरीब। और जहाँ तक मैंने इधर कुछ दिनों से जब से मैंने कोशिश की है, मैं आया हूँ चेयर पे, मैंने अपने सारे स्टाफ से कहा है कि अगर 60 प्लस में कोई बुजुर्ग व्यक्ति आ जाता है तो पहले उसको देखे, 70-80 के ऊपर आ रहा है तो अपने पेशेंटों को पहले उनको देखिए। हो सकता है कई बार गांव के एक आध पेशेंट ऐसे आ जाते हैं जिनको कोई पड़ोसी छोड़ जाता है। मुझे याद आ रहा है इमरजेंसी में मैं खड़ा हुआ था, एक बुजुर्ग सज्जन आया, हर्निया से पीड़ित थे, फंसी हुई थी। मैंने सर्जन को तत्काल बुलाया, हमने कहा इनको तत्काल भर्ती करिए, ऑपरेट करिए। पता चला उनके साथ कोई नहीं है, पड़ोसी छोड़ गया। हमने जरूरी है इनके लिए, क्योंकि आज तो वो छोड़ गया है, कल को हो सकता है पड़ोसी भी उपलब्ध ना हो तो बेचारे फंसे रहेंगे उसी में, निकल जाएंगे। तो भर्ती करा के उनको ऑपरेट करवाया और घर भेजा। हार्मोनल इसी को छोड़ के लगभग आवश्यकता की सारी जाँचें हम लोग यहाँ पे कर। तो तीन चीज़ों के लिए मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा। एक तो पैरालिसिस के मरीजों को, अगर कहीं भी आपके आसपास कोई भी हो तो 4 घंटे के अगर अंदर भेज देते हैं, और वो श्रेणी में आ जाता है जिसमें हम उसको थ्रोम्बोलाइज कर सकें। और अगर आप 50 मरीज भेजते हैं तो उसमें 5 ही अच्छे उसको क्वालिफाई करते हैं जो श्रेणी में है, क्योंकि ज़्यादातर हेमरेजिक मिलते हैं जिसमें हम वो लगा नहीं सकते। तो अगर 50 में से आपने 5 अच्छे मरीजों को भी अपने पैरों पर खड़ा करवा दिया भेज करके, तो ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। मध्य जग सिर मोर बनाए भारत वह बल विक्रम दे, साहसशील हृदय में भर दे, जीवन त्याग तपो में कर दे, संयम सत्य स्नेह का वर दे, स्वाभिमान भर दे, स्वाभिमान भर दे, हे हंस वाहिनी ज्ञान दायनी हम विमल मध्य जग सिर मोर बनाए भारत वह बल विक्रम दे, सीता सावित्री दुर्गा माँ फिर घर घर भर दे, फिर घर घर भर दे, हे हंस वाहिनी ज्ञान दायनी हम मध्य लवकुश ध्रुव प्रहलाद बने हम, मानवता का त्रास हरे हम, सीता सावित्री दुर्गा माँ फिर घर घर भर दे, फिर घर घर भर दे, हे हंस वाहिनी ज्ञान दायनी हम विमल मध्य जग सिर मोर बनाए भारत वह बल विक्रम दे। ये इनकी महिमा है, ये हमने प्रदान की है डॉक्टर्स एसोसिएशन को, इसलिए कि वही सब बातें उसमें जो है निहित है।
चाहे जो हो स्वास्थ्य परिवार के ये वो ले आओ साथ में सालो वो मैडम बड़ा वाला We'll be right back.
अच्छा जी, यहाँ पर क्या कार्यक्रम था? उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल चौहान गुट प्रदेश अध्यक्ष जी सी सिंह चौहान, आज हम रायबरेली चिकित्सालय के जो डॉक्टर साल भर के अंदर अच्छे कार्य किए हैं, उन डॉक्टरों को, नर्सों को और वार्ड बॉय को, जो भी यहाँ फार्मेसिस्ट अच्छे साल भर में मरीज के साथ बर्ताव किया है और तीमारदार के साथ अच्छा बर्ताव किया है, अच्छे कार्य किया है और जनमानस के हित में काम किया है, उनकी आज मैं अपने व्यापार मंडल की ओर से उनको आज प्रशस्ति पत्र दे करके, अंग वस्त्र दे करके उनको मैंने कितने लोगों को है। कितने लोगों को किया गया ये बताइए? 73 लोगों को मैंने सम्मानित किया है। इसमें कौन कौन लोग थे? इसमें मुख्य रूप से मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर एन के तिवारी थे, और एन के श्रीवास्तव और डॉक्टर अल्ताफ हुसैन थे और उनकी पूरी टीम थी पूरे साथ। यहाँ पर क्या कार्यक्रम था? हमारा नाम गीता गुप्ता, महिला जिला अध्यक्ष चौहान गुट व्यापार मंडल। यहाँ पर जो साल भर के नया अच्छा कार्य करते हैं डॉक्टर और नर्स, उनका सम्मान समारोह। कितनी डॉक्टर्स या महिलाएं थी? कुल मिलाकर 40 महिलाएं थी, जिसमें से नर्स भी हैं और डॉक्टर भी, जो उपस्थित हैं उनका भी सम्मान हुआ है और जो नहीं होंगे उनका भी आगे होगा।